तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो मेरे पीछे काफी ज्यादा संख्या में लोग आए हुए हैं। ये क्यों आए हुए हैं? ये आए हुए नरेंद्र मोदी जी को देखने के लिए, क्योंकि आज है 11 मार्च और मोदी जी आने वाले हैं द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए। समर्थक और मोदी जी के लिए एक इशारे पर देश में 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 देश मोदी सरकार, मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, पूनम चांदी जिंदाबाद, पूनम चांदी। तो ये आपने सुना, यहाँ पर काफी न्यूज चैनल वाले भी आए हुए हैं। अभी हम यहाँ पर चलेंगे, पहले आपको यूईआर 2 और द्वारका एक्सप्रेसवे का जो हिस्सा चालू होने वाला है वो आपको दिखा देते हैं। ये अभी हम यूईआर 2 पर चल रहे हैं, जो जिसकी कनेक्टिविटी नजफगढ़ से है। अभी फिलहाल नजफगढ़ से आगे का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। यहाँ से आप देख लीजिए एयरपोर्ट अब कितनी दूर रह जाएगा, कितनी जल्दी आप एयरपोर्ट यहाँ से पहुँच जाओगे, ये लिखा हुआ है। यहाँ से आप देख लीजिए कितना किलोमीटर, एयरपोर्ट सिर्फ 23 किलोमीटर, द्वारका 12 किलोमीटर और गुड़गांव सिर्फ और सिर्फ 25 किलोमीटर यहाँ से रह जाएगा। और यहाँ पर जो स्पीड लिमिट है 100 किलोमीटर पर आवर की होने वाली है। तो आप खुद ही देख लीजिए, आप 100 किलोमीटर की स्पीड से अगर आप चलेंगे तो 23 किलोमीटर आप कितनी देर में पहुंच जाएंगे, मात्र 15 मिनट में आप एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे। बाकी काफी जगह पर इसकी स्पीड लिमिट थोड़ी कम भी है, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड भी होगी। जहां पर थोड़ा सा पॉपुलेशन वाला एरिया आएगा वहां पर थोड़ी थोड़ी स्पीड लिमिट कम कर दी गई है। तो अब चलते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ। ये आप यूईआर 2 देख लीजिए कैसा बनाया गया, काफी अच्छा मटेरियल यूज किया गया है। तीन लाइन का एक तरफ का रोड है, तीन लाइन का दूसरी तरफ का रोड है और काफी जगह पर सर्विस लाइन भी है। सर्विस लाइन भी काफी चौड़ी बनाई गई है यूईआर 2 की। यूईआर 2 यानी कि अर्बन एक्सटेंशन रोड, ये जहाँ पर यशो भूमि बनाया गया है, यानी कि सेक्टर 25 का जो मेट्रो स्टेशन है वहीं पर इसकी कनेक्टिविटी हो जाएगी। आप राइट की तरफ जाएंगे तो हम सीधा द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्ट हो जाएंगे और सीधा अगर हम जाएंगे तो महिपालपुर और एयरपोर्ट की तरफ चले जाएंगे। शिव मूर्ति जो है हमारी महिपालपुर में, वहाँ पर जाकर इसकी सीधी कनेक्टिविटी दी गई है। वहीं आप दूसरी तरफ जाओगे तो ये भवाना के पीछे से, रोहिणी के पीछे से होता हुआ यूईआर 2 सीधा आपका जो चंडीगढ़ की तरफ एनएच 9 पर सीधा कनेक्ट हो जाएगा। तो चंडीगढ़ भी अब ज़्यादा दूर नहीं रह जाएगा। जो लोग पंजाब से एयरपोर्ट पर आते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी। तो अब चलते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ, जहाँ पर काफ़ी बीजेपी कार्यकर्ता और मोदी जी आने वाले हैं, उनका स्वागत करने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। वहाँ पर आपको दिखाते हैं क्या माहौल बना हुआ है। ये यहाँ पर काम रुका हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ से हमें राइट टर्न लेना पड़ेगा। आगे अगला हिस्सा देखते हैं इसका, पुलिस खड़ी हुई है चप्पे चप्पे पर, ट्रैफिक पुलिस वाले
ये थोड़ी सी आगे ये शो भूमि है जिसका थोड़े दिन पहले ही मोदी जी ने उद्घाटन किया था, आपको दिखाई दे जाएगा। वहीं से ही राइट साइड की तरफ जो है वो द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ रोड जाएगा। काफी भीड़ है आज इस रोड पर क्योंकि काफी डाइवर्ट किया गया है ट्रैफिक कहीं कहीं से। ये लेफ्ट साइड में जनकपुरी डाबड़ी की तरफ रोड जाता हुआ और ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा द्वारका एक्सप्रेसवे का फ्लाईओवर, ये भी नहीं खोला गया है इसलिए हमें नीचे से चलना पड़ रहा है। अभी यशो भूमि आ गया है, यहीं से हम राइट साइड की तरफ जाएंगे थोड़ा आगे चल के। नितिन गडकरी जी ने जब से हमारे देश में ट्रांसपोर्ट का ये विभाग संभाला है इतने हाईवे बना दिए हैं, रोजाना कोई ना कोई हाईवे का उद्घाटन होता रहता है क्योंकि उनको पता है रोड होंगे तभी कनेक्टिविटी होगी, कनेक्टिविटी होगी तभी डेवलपमेंट होगी और डेवलपमेंट होगी तभी उनके पास टैक्स ज़्यादा आएगा, इससे ही देश की उन्नति होगी। काफ़ी समझदार ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है ये। ये यहाँ से UER2 से ये कनेक्ट हो गया है राइट साइड में द्वारका एक्सप्रेसवे। ये लेफ्ट की तरफ द्वारका सेक्टर 21 का जो मेट्रो स्टेशन है वहां पर जाएगा और सीधा एयरपोर्ट पर चला जाएगा ये रोड, और राइट साइड की तरफ जो कि अभी हम जाएंगे आपको वहां द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ जाएगा ये रोड। तो अभी चलते हैं राइट साइड की तरफ और दिखाते हैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी। यहाँ से हमें UER2 छोड़ना पड़ेगा और ये सामने द्वारका एक्सप्रेसवे, ऊपर का हिस्सा जब स्टार्ट हो जाएगा तो अलग ही होगा। आज क्योंकि सिक्योरिटी रीजन से हम ऊपर नहीं जा सकते तो हमें यहीं से ही जाना पड़ेगा। एक ही लाइन में गाड़ियां आ रही है सामने से भी, तभी ये हिस्सा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। जो गुड़गांव वाला पार्ट है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, जो 19 किलोमीटर का पार्ट है। दिल्ली का जो पार्ट है 10 किलोमीटर का है। ये देखिए जगह जगह पर पुलिस खड़ी हुई है क्योंकि आज मोदी जी आने वाले हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। जैसा कि हम हाईवे की बात करें तो नितिन गडकरी जी ने काफी हाईवे हमें बनाकर दिए हैं और काफी प्रोजेक्ट अभी भी प्रोसेस में चल रहे हैं, जैसे कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे काफी हिस्सा इसका पूरा हो चुका है, जैसे कि जयपुर तक हम आसानी से अब 2 से 3 घंटे में जयपुर पहुंच जाते हैं। साथ ही जो दिल्ली से जम्मू कटरा माता वैष्णो देवी मंदिर के लिए जो है एक्सप्रेसवे हो रहा है वो उस पर भी काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है। इसके साथ ही दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेसवे वो भी काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है, वो भी कुछ ही दिनों में हमारे हवाले कर दिया जाएगा। तो काफ़ी हाईवे चारों तरफ से नितिन गडकरी जी ने बना दिए हैं। ये देखिए अब सामने आपको द्वारका एक्सप्रेसवे दिखाई देने लग जाएगा, यहाँ से आप लेफ्ट की तरफ विजवासन और सीधा आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्ट हो जाएंगे। साथ ही आप राइट की तरफ जाओगे तो आप नजावगढ़ की तरफ चले जाओगे। तो अब चलते हैं और देखते हैं कैसा क्या मोदी जी के स्वागत के लिए कितने लोग आए हुए हैं और क्या अरेंजमेंट है यहाँ पर। अपने देश का ये पहला एलिवेटेड रोड है दोस्तों, जिस पर सर्विस लाइन भी 4 लाइन की बनाई गई है और इसकी जो गुड़गांव तक की जो लागत है वो लगभग 9 करोड़ की बताई गई है। 9 करोड़ की लागत से जो गुड़गांव वाला हिस्सा है जो कि 19 किलोमीटर का है वो बनाया गया है।
वो देखो भाई कितनी सारी भीड़ है, मोदी जी आने वाले हैं यहाँ पर। 11 मार्च 2024 द्वारका एक्सप्रेसवे का लोकार्पण हो जाएगा आज। देखो दूर दूर तक आपको भीड़ ही भीड़ नजर आएगी। ये पुलिस वाले खड़े हुए, आगे गाड़ियां नहीं जाने दे रहे, पीछे गाड़ी पार्किंग आपको करके आनी पड़ेगी। और वो द्वारका एक्सप्रेसवे का बोर्ड है सामने, ये देखिए, धोलाकुआ जनकपुरी कप्पसेड़ा बिजवासन चंडीगढ़ और छावला नजावगढ़ बैनर लगे हुए है। सीधा जाएगा आपका एयरपोर्ट की तरफ, लेफ्ट में नजावगढ़, राइट में कप्पसेड़ा। न्यूज वाले आए हुए भाई, एम्बुलेंस भी खड़ी हुई है, पुलिस भी खड़ी हुई है, इंटरव्यू भी चल रहा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात। ये एंट्री हो रही है भाई, यहाँ से एंट्री गेट। चारों तरफ भीड़ ही भीड़, मोदी के समर्थक आते हुए काफी बड़ी संख्या में। जहां तक देखो भीड़ ही भीड़ है, इतने सारे समर्थक आए हुए हैं मोदी जी के। ये देखिए भाई भीड़ ही भीड़, अब की बार 400 पार के नारे लग रहे हैं। देश को बचाना है, मोदी जी को लाना है। ये हमारे साथ मोहित जी, देश को बचाने की तरफ चले हैं, मोदी जी को लाएंगे। वो क्या बात है, वो सामने से फ्लाइट जाती हुई। लो भाई जगह जगह है, इंटरव्यू चल रहे हैं लोगों के। दूर दूर तक अभी लोग आ रहे हैं, अभी एक घंटा और है, एक घंटा अभी और लगेगा मोदी जी को आने में। समर्थकों की भीड़ तब तक यहाँ पर लाखों में हो जाएगी।